लेडी सुपरस्टार अनुष्का शेट्टी तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड खूबसूरत मशहूर और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है जिन्होंने 3 सिनेमा अवार्ड्स नंदी अवार्ड्स टीएन स्टेट फिल्म अवार्ड्स और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीता है। तो दोस्तों आज मैं अनुष्का शेट्टी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप अनुष्का शेट्टी के फैन तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1 सुपर। ये 2005 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है पूरी जगन्नाथ ने और इसमें नागार्जुना और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और इसका हिंदी डब्ड है रबारी नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5/10 और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 2 महानंदी। ये 2005 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें सुमंत अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 5/10 और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 3 विक्रम और कुदु। ये 2006 का एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है SS रजामौली ने और इसमें रवि तेजा अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें सती बाबू और राठौर दोनों ही एक जैसे देखते हैं और राठौर की मरने के बाद सती बाबू ने उनकी बेटी को देखभाल करते हैं और साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर होकर कैसे बदला लेते हैं वह इसमें दिखाया जाएगा और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.7/10 और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 4 अस्थिरम। ये 2006 का तेलुगु फिल्म है और इसमें विष्णु मंचु और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 5 रेंडू। ये 2006 का तमिल एक्शन रोमांटिक फिल्म है और इसमें आर माधवन और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 6 लक्ष्यम। ये 2007 का एक्शन फिल्म है और इसमें गोपी चंद अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें क्रिमिनल शंकर चंदू को मर्डर करने के प्लान करते हैं तब चंदू का भाई कैसे उसे बचाने के लिए कदम उठाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.1/10 और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 7 डॉन। ये 2007 का तेलुगु फुल एक्सट्रीम क्राइम डेंजर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है राघव लॉरेंस ने और इसमें राघव लॉरेंस नागार्जुना और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें गैंगस्टर सूर्य ने कैसे सोसाइटी का अनप्रिविलेज्ड लोगों को हेल्प करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.5/10 और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 8 ओक्का मगादु। ये 2008 का एक्शन इरोटिक रोमांटिक फिल्म है और इसमें नंदामुरी बाला कृष्ण अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 9 स्वागतम। ये 2008 का तेलुगु फिल्म है और इसमें जगपति बाबू अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 10 बलादू। ये 2008 का एक्शन फिल्म है और इसमें रवि तेजा अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 11 सोरियम। ये 2008 का एक्शन फिल्म है और इसमें गोपी चंद अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें विजय कैसे अपने बहन दिव्या को बचाने के लिए गैंगस्टर के अगेंस्ट में फाइट करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका हिंदी डब है मेरी शपथ नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.8/10 और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 12 चिंता का याला रवि। ये 2008 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें वेंकटेश अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें रवि न्यूयॉर्क में एक वेटर के काम करते हैं पर अपने मार होने वाले बीवी को कहते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 13 अरुंधति। ये 2009 का डार्क फैंटेसी हॉरर फिल्म है और इसमें अनुष्का शेट्टी सोनू सूद लीड रोल में है। इसमें अरुंधति अपने गांव में घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ वो कैसे ब्लैक मैजिशियन के अगेंस्ट में फाइट करती है वह इसमें दिखाई गई है और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी हॉरर फिल्म माना जाता है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.3/10 और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 14 बिल्ला। ये 2009 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें रेवल स्टार प्रभास और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें एक अंडरवर्ल्ड डॉन बिल्ला जब एसीपी मूर्ति के हाथों में मर्डर होता है तब बिल्ला की तरह देखने वाले रंगा ने उसकी जगह लेते हैं और अपने गैंग को संभालते हैं पर प्रॉब्लम क्रिएट तब होता है जब एसीपी मूर्ति का मर्डर होता है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.1/10 और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 15 वेट्टई करण। ये 2009 का तमिल एक्शन फिल्म है और इसमें विजय अनुष्का लीड रोल में है। इसका IMDb रेटिंग मिला 4.7/10 और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 16 सिंगम। ये 2010 का तमिल एक्शन फिल्म है और इसमें सूर्य और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें एक ऑनेस्ट इंस्पेक्टर नरसिम्हा और एक ट्रेडेड गैंगस्टर के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई गई है
और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉप फिल्म रहा और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.8 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 17 विडम, ये 2010 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, मनोज मंजू, अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसका IMDb रेटिंग मिला 8.1 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म में एवरेज निकला। नंबर 18 पंचाक्षरी, ये 2010 का फैंटेसी फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर खलेजा, ये 2010 का फैंटेसी एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है त्रिविक्रम श्रीनिवास ने और इसमें प्रिंस महेश बाबू और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें एक टैक्सी ड्राइवर एक रूरल गांव में हुआ मिस्ट्रियस डिजीज से लोगों को कैसे बचाते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7.6 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। नंबर 20 नागावल्ली, ये 2010 का कॉमेडी हॉरर फिल्म है और इसमें विन कतेश और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 21 रगादा, ये 2010 का एक्शन फिल्म है और इसमें नगर चुना अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.1 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म में एवरेज निकला। नंबर 22 वनम, ये 2011 का तमिल एक्शन फिल्म है और इसमें सिलम्बरसन अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। ये 2010 अल्लू अर्जुन स्टीरर तेलुगु फिल्म वेडम का तमिल रिमेक है। इसमें एक हॉस्पिटल में लोगों ने कैसे एक टेररिस्ट अटैक का सामना करते हैं वह इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.2 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 23 देवा थिरुमगल, ये 2011 का तमिल ड्रामा फिल्म है और इसमें विक्रम अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें एक मेंटल डिजेबल बाप कृष्णा अपने बेटी को अपने पास रखने चाहते हैं पर उसके ससुर ने बच्चे को ले जाने की कोशिश करते हैं और इसलिए कृष्णा ने लॉयर अनुराधा को मनाता है जाके वो ये केस लड़े और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.1 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 24 थंदावम, ये 2012 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें विक्रम अनुष्का शेट्टी और एमी जैक्सन लीड रोल में है। इसमें एक ब्लाइंड आदमी कैसे प्लान करके एक सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ा हुआ लोगों के रिवेंज लेते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.1 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 25 दमारुकम, ये 2012 का एक्शन फैंटेसी फिल्म है और इसमें नागार्जुन और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 26 एलेक्स पांडियन, ये 2013 का एक्शन एडवेंचर फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 27 मिर्ची, ये 2013 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें प्रभास अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें जय और वेनिला के बीच में प्यार को दिखाया है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.2 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 28 सिंघम 2, ये 2013 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है हैरी ने और इसमें सूर्या अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें एक टफ पुलिसमैन दुरई सिंघम एक अंडर कवर ऑपरेशन से कैसे शहर की ड्रग ट्रैफलिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.3 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 29 इरंदम उलागम, ये 2013 का रोमांटिक फैंटेसी फिल्म है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 30 लिंगा, ये 2014 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें थलाइवर रजनीकांत अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 31 एन्नई अरिंधल, ये 2015 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें थला अजित कुमार और अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें एक सीन से पुलिस ऑफिसर कैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट के अगेंस्ट में फाइट करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.3 और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 32 बाहुबली द बिगिनिंग, ये 2015 का एपिक एक्शन फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है SS राजामौली ने और इसमें प्रभास अनुष्का शेट्टी तमन्ना लीड रोल में है और इस फिल्म का स्टोरी हर कोई जानता है। इसमें अमिंद्रा बाहुबली और वल्लल्ला देवा के बीच राजा बनने के लिए लड़ाई को दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.1 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 200 करोड़, इंडियन कलेक्शन है 450 करोड़, वर्ल्डवाइड कलेक्शन है 650 करोड़ और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 33 रुद्रमा देवी, ये 2015 का बायोग्राफिकल एपिक एक्शन फिल्म है और इसमें अल्लू अर्जुन अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर 34 साइज जीरो, ये 2015 का तमिल तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 35 सिंघम 3, ये 2017 का एक्शन फिल्म है और इसमें सूर्या अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें पुलिस चीफ दुराई सिंघम एक मर्डर केस सॉल्व करने के वक्त एक पावरफुल डॉन के अगेंस्ट में कैसे फाइट करते हुए इसमें दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 6.3 और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 36 ओम नमो वेंकटेशया, ये 2007 का बायोग्राफिकल फिल्म है और इसमें नागार्जुन अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है।
और इसका IMDb रेटिंग मिला 7.2 और फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 37 बाहुबली 2 द कंप्लीशन। ये 2017 का एपिक एक्शन फिल्म है और इसमें प्रभास अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें बाहुबली का स्टोरी को कंटिन्यू करके दिखाई गई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 8.2 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 250 करोड़। इंडियन कलेक्शन था 1400 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 2100 करोड़ और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 38 भागामाथी। ये 2018 का हॉरर फिल्म है और इसमें अनुष्का शेट्टी लीड रोल में है। इसमें एक IAS ऑफिसर चंचला रेड्डी जब एक इंटरोगेशन के लिए एक हॉन्टेड हाउस में जाता है तब उसके अंदर एक आत्मा घुस जाती है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7 out of 10 और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। नंबर 39 निशब्दम। ये 2020 का अपकमिंग तेलुगु तमिल थ्रिलर फिल्म है और जिसको डेट करी है हेमंत ने और इसमें अनुष्का शेट्टी और आर मधुबन लीड रोल में है और इसमें काफी थ्रिलिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा और ये फिल्म रिलीज होगा 2020 में। नंबर 40 पुराची थलाइवी। ये अपकमिंग बायोग्राफिकल फिल्म है जिसको डेट करी है भारती राजा ने और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कॉम्प्लीट स्टार मोहनलाल कमल हसन और अनुष्का शेट्टी लीड रोल है और ये फिल्म तमिलनाडु CM जयललिता की लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है। और बता दो दोस्तों ये फिल्म रिलीज होगा 17 June 2021 में। तो दोस्तों इन अपकमिंग फिल्मों से कौन सी फिल्म का आपको इंतजार रहेगा कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा लेडी सुपरस्टार अनुष्का शेट्टी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सारी फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सबके बॉलीवुड और साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।